हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात करने लग रहे हैं, उस स्टॉक का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और एक लगातार एक बहुत ही अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी भी है ये। और ये जो कंपनी है, इसके ऊपर जो भारत सरकार है उसका भी कंट्रोल है। अगर आप इस स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट होगी, एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टाइम स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो कंपनी है, ये उन्हीं कंपनियों में से एक है। आप इस कंपनी में जो आने वाले जो 5 साल हैं उनके लिए भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 100 रुपये से कम वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप ये जो स्टॉक है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो कंपनी है, ये भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल उसकी एक महारत्न कंपनियों में से एक है। और ये जो कंपनी काम करती है, ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होते हैं उनके रिफाइनिंग हो गया, पाइपलाइन के द्वारा उनका प्रीवेन हो गया, उनकी मार्केटिंग हो गया, R&D हो गया, और उनका एक्सप्लोरेशन और जो प्रोडक्शन है वो हो गया, और जो नेचुरल गैस है उसका भी प्रोडक्शन हो गया। तो ये सब काम करने का काम ये कंपनी करती है। और तेल रिफाइनिंग हो गया, और जो पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग सेक्टर हो गया, इसमें भारत में इसकी लीडरशिप भी है। ये भारत में सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है। इसके पास खुद की कुल 11 रिफाइनरीज कंपनियां हैं जो कि पूरे इंडिया में फैली हुई है। और इनकी जो कैपेसिटी है वो 80.60 MMTPA की है। और ये जो टोटल रिफाइनिंग होती है इंडिया में, उसका 32% ये रिफाइनिंग करती हैं। इसकी 2 रिफाइनरीज कंपनियां चेन्नई में स्थित हैं, जो कि इसकी सब्सिडियरी कंपनी चेन्नई पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। वो ये जो चेन्नई पेट्रोकेमिकल कंपनी है, इसमें जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसका 52% का स्टेक है। और इसकी जो रिफाइनरीज हैं उनकी जो टोटल कैपेसिटी है उसका ये 97% अभी यूज करने लग रही है। और वर्तमान में इसकी 96 MMTPA की लिक्विड पाइपलाइन की क्षमता है और 21.7 MMSCMD की गैस पाइपलाइन की इस कंपनी की क्षमता है। पूरे भारत में इसकी 15,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें फैली हुई हैं। और इसके पास 73% क्रूड पाइपलाइन है और 52% प्रोडक्ट पाइपलाइन है जो कि पूरे भारत में फैली हुई है। इसने पिछले 3 सालों में इसकी जो पाइपलाइनें हैं उसकी 85% की जो क्षमता है उसका उपयोग किया है। 2022 में इसका जो रिवेन्यू आया है वो हाई स्पीड डीजल से 47% का आया है, मोटर स्प्रिट से 22% का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से 13% का, एविएशन टर्बाइन फ्यूल से 3% का, और जो सुपर कैरोसिन ऑयल है उसे 1% का, और जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनसे इसने 14% का रिवेन्यू जनरेट किया है। और वर्तमान में ये जो कंपनी है, ये 34,500 जो रिटेल आउटलेट है यानी कि जो पेट्रोल पंप है उनको ऑपरेट करती है, और 12,800 LPG जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इसके पास हैं, और 7,000 बल्क कंज्यूमर जो पंप हैं वो इसके पास हैं, और 3,900 SKO LDO जो डीलरशिप हैं उनको ये ऑपरेट करती है अभी। और वर्तमान में ये पूरे इंडिया में 42% जो रिटेल आउटलेट होते हैं उनको ये ऑपरेट करती है, और जो पूरे भारत में जो LPG डिस्ट्रीब्यूशन शिप हैं उनमें से 51% को ये ऑपरेट करती है, और 48 को जो ये एविएशन फ्यूल स्टेशन होते हैं उनको ये ऑपरेट करती है। और इसकी जो R&D की जो टीम है वो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। और इसने अभी तक 930 जो एक्टिव पेटेंट है उनको भी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो इसने केवल 2022 में ही 576 करोड़ रुपये को अपनी R&D की टीम के ऊपर खर्च किया है। ये जो कंपनी है, ये अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया भर से जो कच्चा तेल है उसका आयात करता है। ये 65% कच्चे तेल का जो आयात है वो मिडल ईस्ट से करता है, अफ्रीका से 27% का, नॉर्थ अमेरिका से 4% का, साउथ ईस्ट एशिया से 1% का, यूरोप से 1% का, और जो सेंट्रल एशिया है उससे ये 1% का कच्चे तेल का आयात करता है। और ये जो कंपनी है, इसकी अपनी सारी कंपनियों के द्वारा जो प्रेजेंस है वो श्रीलंका में, मॉरिशस में, UAE में, सिंगापुर में, स्वीडन में, अमेरिका में और नीदरलैंड में है। और इस कंपनी को कावेरी बेसिन तमिलनाडु में 9 MMTPA क्षमता की एक अन्य फैसिलिटी का अप्रूवल भी मिल गया है।
इसके ऊपर 29,000 करोड़ रुपए को खर्च किया जाना है और 2022-23 में इसके जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर 23,093 करोड़ रुपए को खर्च किया जाना है। इसमें से जो रिफाइनिंग है उसके ऊपर 27%, पाइपलाइन के ऊपर 19%, मार्केटिंग के ऊपर 21%, पेट्रोकेम के ऊपर 17% और जो R&D है उसके ऊपर 5% को इसमें खर्च किया जाना है। और ये जो कंपनी है इसकी कुछ सब्सिडियरी कंपनियां भी है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी, इसमें इस कंपनी की 52% की हिस्सेदारी है। इस कंपनी के पास 2 रिफाइनिंग यूनिट भी हैं जो कि तमिलनाडु में फैली हुई हैं। इनकी जो कैपेसिटी है 12 MMTPA की है। और इसकी दूसरी जो सहायक कंपनी है वो IOCL सिंगापुर PTE लिमिटेड कंपनी है। ये पूर्ण रूप से इसकी एक सहायक कंपनी है जो कि जो क्रूड ऑयल होता है उसको इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है उसको करने में ये कंपनी इसकी मदद करती है। और इसकी एक अन्य सहायक कंपनी है उसका नाम है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी, इसमें इस कंपनी की 12.5% की हिस्सेदारी है। तो ये जो कंपनी है ये भारत में सबसे बड़ी रिफाइनिंग की कंपनी भी है और भारत सरकार की एक कंपनी है, ये भारत सरकार के द्वारा ये कंपनी कंट्रोल की जाती है, तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल था। इसकी जो मार्केट कैप है वो 1,29,506 करोड़ की है। इसका जो बानवी काई है वो 101 रुपया है और जो लो है वो 65.20 रुपया है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 98.90 रुपया है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.29% की है। जो प्रमोटर होंगी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। इसकी जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 7.17% की है जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 2,06,647 करोड़ की है और इसकी जो टोटल एसेट है वो 4,42,039 करोड़ की है। और इसके पिछले 3 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो 20.3% के हिसाब से बड़ी है और इसका जो 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 33.6% का है और इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो 2,290 करोड़ का है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 154 रुपया है और इसका जो ऑल टाइम लो है वो 24.90 रुपया है। और ये देखिए अगर आप इसके सेल्स देखोगे तो जितना इसके ऊपर जो कर्जा है उतनी तो इसकी जो 1 क्वार्टर है उसकी सेल्स हो जाती है। तो मार्च 2023 में इसने 2,03,872 करोड़ की सेल्स की है और जून 2023 में इसने 1,98,551 करोड़ की सेल्स की है। इसकी जो अदर इनकम है वो भी 954 करोड़ की, 1,305 करोड़ की, 1,731 करोड़ की ऐसे हो जाती है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ये देखिए क्वार्टर वाइज 14,735 करोड़ का, 10,841 करोड़ का, 890 करोड़ का ऐसे हो जाता है। और इसका जो EPS है वो काफ़ी शानदार है, वो लगातार ही बढ़ने लग रहा है, अभी 10.22% का है। और अगर आप इसके ऊपर कर्जा देखोगे तो इसके ऊपर 1,48,977 करोड़ का कर्जा है। इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो 1,25,949 करोड़ है और इसका जो CWIP है तो इसमें 51,133 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने लग रहे हैं। जैसे ये बन जाएंगे इसकी सेल्स भी बढ़ जाएगी और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी और इसके ऊपर जो डेट है वो कम हो जाएगा। और इसकी जो टोटल एसेट है वो लगातार बढ़ने लग रही है, अभी 4,42,039 करोड़ की है। तो देखिए इसकी जो रिजर्व कैपिटल है और इसकी जो टोटल एसेट है उसको देखते हुए इसके ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ही कम है। ये जब भी चाहे अपने ऊपर लिए गए कर्जे को उतार सकती है। और इसमें जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो 51.50% की इसमें बनी हुई है। जो FII है उनकी जो होल्डिंग है 7.56% की इसमें बनी हुई है और जो DII है इनकी जो होल्डिंग है इसमें 11.55% की इसमें बनी हुई है और जो सरकार है उसकी जो होल्डिंग है इसमें 19.60% की इसमें बनी हुई है। तो देखिए अभी जो ये स्टॉक है ये 91 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज हो गया है, इसकी जो टोटल एसेट है वो लगातार बढ़ने लग रही है, इसकी जो रिजर्व कैपिटल वो भी लगातार बढ़ने लग रही है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। और ये जो कंपनी है इसमें जो प्रमोटर उनकी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, जो FII है और जो DII है और जो सरकार है उसकी भी एक बहुत ही अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में है। और ये जो कंपनी है इसकी जो सेल्स होने लग रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने लग रही है और एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। तो देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप एक सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी अच्छे स्टॉक में तो ये उन स्टॉकों में से एक है। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और एक फंडामेंटल एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करें। तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक लगातार एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी है ये।
सो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।